एनीबॉडी कैन वेलनेस डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी टिप्स बताने जा रही हूँ जिससे आप पतले से पतले दूसरी गाढ़े से गाढ़ा दही जमा सकते हैं। वो कैसे, ये जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। दही जमाने के लिए हमें एक बॉक्स में दूध चाहिए। आप जितना दही जमाना चाहें उतना दूध ले लें। आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, बट अगर आपके पास एयर टाइट बॉक्स हो तो ज़्यादा। दही जमाने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल न करें। दूध को पहले बॉईल कर लें और फिर उसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लें। यहाँ मैंने बहुत ही पतला दूध लिया है, मैं आपको उंगली पर दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि दूध उंगली पर नहीं लग पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि दूध एकदम पतला है। अब हमें इसी पतले दूध से गाढ़ा दही जमाना है। इसके लिए अलग से एक बर्तन ले लीजिए, साइड में रख देते हैं। इस बर्तन में एक कप दूध डालिए। आप दूध बॉक्स में से ले सकते हैं या फिर अलग से एक कप दूध ले सकते हैं। यहाँ मैंने 200 मिलीलीटर दूध अलग से लिया है। यहाँ टोटल मैंने आधा लीटर दूध लिया है। अब हमने जो अलग से एक कप दूध लिया है उसमें एक बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और आधा बड़े चम्मच अरारूट डालकर इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। इसके गुठले नहीं पड़ना चाहिए। इसे हल्के हाथ से धीरे धीरे मिक्स कर लीजिए। जब सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके बाद इसे एकदम धीमी आंच पर एक उबाल आने तक पका लीजिए। लगातार चलाते जाइए, नहीं तो इसके लम्स पड़ जाएंगे। जब दूध इस तरह से जमने लगे तो गैस बंद कर दीजिए। इसे एक से दो मिनट तक ही पकाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो इसके लम्स पड़ जाएंगे। गैस बंद करने के बाद भी इसे चलाते जाएं। आप देख सकते हैं दूध की कंसिस्टेंसी थिक होने लगी है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ होने तक इसे मिक्स कीजिए। अगर आपको लगे कि इसके गुठले पड़ गए हैं तो आप इसे स्टील की छलनी से छान लीजिए, इससे एकदम स्मूथ हो जाएगा। जब दूध वाला मिक्सचर मिक्स हो जाए उसके बाद जो हमने बॉक्स में दूध लिया था उसमें थोड़ा सा दूध, लगभग एक से डेढ़ कप दूध डालिए और इसे मिक्स कीजिए, ताकि जब हम इसे पूरे दूध में मिलाएं तो ये अच्छे से मिक्स हो जाए, एक जगह इकट्ठा ना हो। इस तरह से इसे मिक्स करें, ये जल्दी मिक्स हो जाएगा। अब पैन वाले दूध को डिब्बे वाले दूध में डाल दीजिए और चम्मच से मिला लीजिए। इसके बाद इसमें एक बड़े चम्मच दही यानी जामुन डालिए और इसे भी मिक्स कीजिए। डिब्बे का ढक्कन लगा दीजिए। अब एक इस तरह का डिब्बा लीजिए जिसमें खाना गर्म रहता है। मैंने यहाँ रोटी रखने का डिब्बा लिया है। अब इसमें हल्का गुनगुना पानी डालिए। ऐसा करने से बॉक्स के अंदर गर्मी बनी रहेगी और दही जल्दी जमेगा। दही जल्दी जमाने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करें, गरम दूध का इस्तेमाल ना करें। गरम दूध का इस्तेमाल करने से दही पानी छोड़ देता है। डिब्बे के अंदर पानी डालने के बाद दूध वाले डिब्बे को इसके अंदर रखें और ढक्कन लगा दीजिए। 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए। ध्यान रखें कि डिब्बे को आप बार बार खोलकर चेक ना करें। 3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं दही बहुत अच्छे से एकदम गाढ़ा जमा है। अगर दूध बहुत ज़्यादा पतला है तो आप कॉर्नफ्लावर और आरारूट की मात्रा थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। आप ये टिप्स ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करें कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी या टिप्स के साथ।